हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्बास खान, वेलकम यू ऑल। सर डियर स्टूडेंट, आज का ये टाइप्स ऑफ एनालॉजीज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर फर्स्ट है और फिर इसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर का, ठीक है। सर डियर स्टूडेंट, ये टाइप्स ऑफ एनालॉजीज है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इसको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एनालॉजीज के इसको टाइप्स को पढ़ने के बगैर, एनालॉजीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसके टाइप्स जानने के बगैर आप एनालॉजीज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए दो चीज़ें होना कर जाना वो ज़रूरी है, ठीक है। एनालॉजीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जो है ना, आपको जो है ना इसको को टाइप्स जो है ना बेसिकली पता हो, ताकि उसकी मदद से जो है ना आप उसको जो है ना वो सही रिलेशन को जो है ना आप फाइंड कर सके, ठीक हो गया। और दूसरी क्या ज़रूरी है, वो क्या होती है, आपके पास जो है ना वो वोकेबलरी जो ना आपके पास जो है ना बड़ी स्ट्रांग जो है ना वो होनी चाहिए, तब जो है ना आप एनालॉजीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होगा तो आप जो है ना वो एनालॉजीज के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर वन है और फिर जो लेक्चर नंबर टू भी इसका जो है ना वो आएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले क्या है, डेफिनेशन और रिलेटेड वर्ड्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, आपका जो है ना वो डिफिनेशन, एक वर्ड जो दिया जाएगा वो क्या होगा, वो दोनों क्या होंगे, वो एक रिलेटेड होंगे। किसकी वजह से, बाय डिफिनेशन वो वर्ड्स क्या होंगे, वो एक रिलेटेड होंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है। बाकी जिस क्वेश्चन है ये मैं आगे जाना वीडियोज में क्वेश्चन बाकायदा सॉल्व करवाऊँगा। हैगलर क्या होता है, जो कि प्राइसेस के ऊपर जो है ना वो बार्गेनिंग करता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्या है, ये बाय डिफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हैगलर इज़ अ पर्सन डेट बार्गेन्स और प्राइसेस, ठीक है। फिलैटेलिस्ट क्या होता है, जो कि पर्सन इज अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो कि स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। सिंसियर क्या होता है, वो क्या होता है, इज अ पर्सन या अ थिंग दैट इज दी सेंटर ऑफ अटेंशन, जो पर्सन जो है ना या कोई चीज़ जो है ना किसी तवज्जा का मरकज होता है, ठीक है। इट इज़ दी सेंटर ऑफ अटेंशन, तो वो क्या होता है, उसको सिंसियर कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, दोनों बाई डिफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इस तरह नोमेड वांडरर क्या होता है, नोमेड क्या होता है, इज अ पर्सन हु वांडर्स, कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना वो जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड क्या है, बाय डिफिनेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। लिहाजा आपको क्वेश्चन में जो भी, अगर आपको क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया है तो आपको अपने ऑप्शन में भी ऐसे ही रिलेशन क्या करना है, वो आपने ढूंढना है, ठीक हो गया। तो मैं साथ एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है ना वो मैं आगे वीडियोज में आपको जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, रीजनिंग के साथ मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर दूसरी इसकी जो टाइप है एनालॉजी, एनालॉजीज की वो है कॉज और इफेक्ट रिलेशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फायर क्या होता है, जब कोई फायर लगती है तो उसे बर्न जो है ना वो क्या होती है, वो क्रिएट होता है, ठीक है, बर्न कॉज होता है, ठीक है, सॉरी। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये इसका इफेक्ट है और ये इसका क्या है, कॉज है, ठीक है। तब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं, कोई चीज़ पीते हैं, ठीक है। जब आप कोई चीज़ रीड करते हैं तो इससे इसका इफेक्ट क्या होता है, उससे आप जो कोई चीज़ लर्न करते हैं तो ये क्या हुआ, ये काज हुआ, इससे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। ग्लेशियर, ग्लेशियर की मूवमेंट से क्या होता है, लैग क्या होता है, वो क्रिएट होता है, तो ये इसका क्या है, इफेक्ट है, और इसका क्या है, कॉज है। ग्लेशियर की मूवमेंट से क्या होता है, लैग क्या होता है, वो क्रिएट जो ना होता है, ठीक है। अगर आप मैं पाकिस्तान में 2010 में जो ना वो एक वाक़या हुआ था, अताबाद जो लैग था वो जो ना वो क्रिएट होता, वो किसकी वजह से, वो ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये इसका काज है, वो इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो आपको जो ना ये एनालिसिस के टाइप्स में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इन टाइप्स को आपने जहन में रखना है, तब जाना वो आप जो ना एनालिसिस के क्वेश्चन को उसको क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या रिलेशन था, कॉज और इफेक्ट रिलेशन था, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या होगी, वो चीज़ें इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये इफेक्ट था और ये क्या था, कॉज था। इसी तरह इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। ये जो एनालॉजी की टाइप है इसका रिवर्स भी हो सकता है, यानी पहले क्या था, कॉज था और इफेक्ट था, यहाँ पर इसको इफेक्ट को पहले लाया जा सकता है और कॉज को बाद में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने एक लिखी है, ये क्या है, फ्लड है, रेन है। फ्लड क्या है, एक इफेक्ट है, रेन क्या है, एक काज है। जब रेन होगी तो इसका क्या इफेक्ट क्या होगा, एक जो ना वो फ्लड आएगा, ठीक है, हैवी रेन जब होगी, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट भी हो सकता है, तो आपने इसको जहन में जो ना वो रखना है, आप कन्फ्यूज़ ना हो वहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, पर्पज़ और इफेक्ट, या इसका रिजल्ट है, ठीक है। मेडिएशन, मेडिएशन किस लिए की जाती है, ताकि आप जो ना कोई एकर्ड या कोई एग्रीमेंट पे जो ना वो पहुंच जाए। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जो इंडस वाटर्स जो है ना वो थ्रीटी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1990 में, इसमें रोल किसने अदा किया था, वर्ल्ड बैंक ने जो है ना अदा किया था, जिसकी वजह से दोनों क्या होते, कंट्रीज़
एक एकड़ पे जो है वो पहुँच गए थे, जिसको कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की। ठीक है, तो जो भी मेडिएशन का पर्पस क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि ये जो है ना वो पार्टीज एक्ट पे एग्रीमेंट पे पहुंच जाए। इसी तरह लिटिगेशन क्या होती है, कानूनी जाराचुई होती है। कानूनी जाराचुई का मकसद क्या होता है, ताकि आप जो है ना कोई जजमेंट जो है ना वो ले सके। ठीक है, ताकि कोई आप जो है ना वो कोर्ट से कोई फैसला जो है ना वो एक ले सके, फैसला ले सके। ठीक है, तो ये एनालॉजी की जो है ना वो तीसरी जो है क्या है टाइप है। फिर चौथी जो आ जाती है वो एक्शन और ऑब्जेक्ट का जो है ना एनालॉजी की जो टाइप्स है वो क्या है, एक्शन और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बॉयल के ऊपर आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं, एग को आप क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बाल के ऊपर आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं, बॉल क्या एक ऑब्जेक्ट है, एग क्या है एक ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर आप जो है ना वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको थ्रो करते हैं बॉल को। हाथ के ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट क्या है एक एक्शन है। ठीक है, तो ये परफॉर्म की जाती है। शिप क्या होता है, वो सेल होता है। ठीक है, ट्रैवल करना पानी में जो है ना वो शिप जो है ना वो ट्रैवल करती है, उसको सेल जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है एक्शन है, जो कि शिप जो है ना वो परफॉर्म जो है ना वो करती है। ठीक है, हॉर्स के ऊपर आप जो है ना वो राइडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप ये एक्शन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, फिर पाँचवीं जो है ना वो जो एनालॉजी की टाइप है वो है प्रॉब्लम और सोलूशन है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आप तक गई हैं, तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, सोते हैं। ठीक है, ये सब क्या है सोलूशन है। ठीक है, आप थकावट देना वो दूर करते हैं। आपको भूख लगी है, इसका सोलूशन क्या करते हैं, आप ईट करते हैं। ठीक है, ताकि आप जो आपके भूख जो ना वो मिट जाए। ठीक है, तो ये क्या है एनालॉजी की टाइप है। ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना है। फिर गेम्स है, और गेमिंग जो है वो प्लेइंग प्लेस है। ठीक है, कहाँ पर गेम्स खेली जाती है, टेनिस को कहाँ पर खेला जाता है, उसको कोर्ट में जो ना वो खेला जाता है, ये क्या है प्लेस है, ये क्या है गेम है। रेसलिंग को जाना कहाँ पर खेला जाता है, इसका प्लेइंग प्लेस कहाँ पर है, खेलने का जो मकाम है इसको कहा जाता है एरिना कहा जाता है। ठीक है, एथलेटिक्स कहाँ पर जो ना वो की क्या प्ले की जाती है, वहाँ कहाँ पर जाना वो क्या होता है स्टेडियम में जाना वो परफॉर्म की जाती है। ठीक हो गया, अब सेवन टाइप्स को देखो, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। ठीक है, तो आपको ये जाना अक्सर जो ना वो आपको मिल जाते हैं एनालॉजीज में। डिसगस्ट क्या होता है, हेट क्या होता है, एक जो ना एक एक्सट्रीम हो जाए, आप किसी बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, ये क्या है इसका एक्सट्रीम केस है। ठीक है, इसका क्या है एक्सट्रीम केस है, इसमें इंटेंसिटी जो है ना शिद्दत वो ज़्यादा है। किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करना उसके लिए हेट का लफ्ज़ होता है, हेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। डिस्गस्ट क्या होता है, थोड़ा सा कम लेवल का होता है, इंटेंसिटी क्या होती है थोड़ा कम होती है। फेयर क्या होती है, इसमें इंटेंसिटी कम होती है, शिद्दत कम होती है। पैरानोया का होता है, बहुत ज़्यादा किसी से जो ना वो खौफ होता है, पैरानोया का होता है। ठीक है, एंगर क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी शिद्दत कम होती है। ठीक है, ये कि इमोशन है। रेज क्या होती है, जबकि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है इस टाइप की इमोशन की, इसके लिए रेज का वर्ड यूज़ किया जाता है। हैप्पीनेस क्या है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। इलेशन क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इसके लिए जो है ना ये इलेशन का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ किया जाता है। सिंपथी है, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसके लिए जाना वो लव जाना वो यूज़ किया जाता है। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, इसकी शिद्दत, इस इमोशन की शिद्दत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ऐसा जाना जो क्वेश्चन में जाना, अगर आपको जाना ये मिल जाती है एनालॉजी की टाइप, तो आपने ऑप्शन में इसी तरह की जाना वो आपने जाना वो ऑप्शन को ढूंढना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो आठ वन टाइप्स है वो है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी है। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट, फ्लरी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लरी क्या होता है, जो एक किस्म का जो ना वो लाइट किस्म का जो ना वो हल्का सा जो ना वो स्नोफॉल होता है। ठीक है, स्नोफॉल हल्का हल्का सा बूंदाबांदी या स्नोफॉल, ठीक है, इसको फ्लरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या, इसमें शिद्दत जब ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, शिद्दत हम कहते हैं डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, वहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा जो ना वो स्नोफॉल होता है, बड़ा स्नो स्टॉर्म होता है, ठीक है ना, स्नो स्टॉर्म बहुत ज़्यादा इसमें शिद्दत जो ना वो आ जाती है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको ब्लिजर्ड जो है ना वो कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है लुकवार्म। ठीक है, अगर मैं सही तरह प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, लुकवार्म किसे कहते हैं, माइल्डली थोड़ा सा जाना वो वार्म, माइल्डली वार्म थोड़ा सा जाना वो गर्म। लेकिन बॉइल्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या है वो गर्म। ठीक है, तो ये क्या है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। स्वेयर जो है ना वो किस्म का जो है ना वो वेरी हॉट। ठीक है, वेरी हॉट यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा माइल्डली थोड़ा सा जाना वो गर्म, यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा गर्म, तो ये क्या है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी आपको जाना वो है।
विश क्या है, इसमें इंटेंसिटी थोड़ा कम है, शिद्दत कम है, डिज़ायर जब बहुत ही ज़्यादा, इसकी इंटेंसिटी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हो, ठीक है। एरर है, गलती है, लेकिन जब बहुत बड़ी जाना वो गलती कर लेते, इसमें शिद्दत बहुत ज़्यादा है, डिग्री है जाना वो ज़्यादा है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती जो आप कर लेते हैं, इसको ब्लंडर कहा जाता है, ठीक है। अब क्वारल होती है छोटे पैमाने पे, जब लड़ाई होती है, जो वॉर होती है बड़े स्केल पे जो ना वो होती है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं, पहले हम दसवीं की तरफ आ जाते हैं। एंटोनिम्स, यहाँ पर क्या है, दोनों क्या है, अपोजिट मीनिंग्स है, ठीक है। कंसर्न क्या है, बड़ा फिक्रमंद, किसी किसी चीज़ के बारे में बड़ा फिक्रमंद होना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इनडिफरेंट है, किसी के ला ताल्लुक होना, ठीक है ना, किसी के बारे में कोई फिक्रमंद नहीं होना, केयरलेस होना, ठीक है, तो ये क्या है, इनडिफरेंट है। अब यहाँ पर एक होती है एंटोनिम्स वेरिएंट का, ये इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो बड़ा गलती कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में, हम दोनों में फ़र्क क्या है, एंटोनिम वेरिएंट्स और एंटोनिम में क्या फ़र्क है, यहाँ पर क्या है, इसमें जो भी आपको दिया जाता है ना, बोथ वर्ड्स बिलोंग टू सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। दोनों जो भी वर्ड्स आपको दिए होंगे वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कंसर्न बंदा, ये कंसर्न क्या है, ये एडजेक्टिव है। इनडिफरेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। लिहाजा आपने जो है ना क्वेश्चन में आ जाए तो आपने इनको भी जहन में रखना है कि ये एंटोनिम वेरिएंट हमें दिया है या एंटोनिम्स हमसे पूछे हैं, ठीक है, तो आपने इसको ख्याल रखना है। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जबकि एंटोनिम वेरिएंट्स क्या है, जिसमें जो बोथ वर्ड्स है, ठीक है, बोथ वर्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे नर्वस की, दोनों के अपोजिट मीनिंग है। नर्वस का मतलब क्या होना, अंदर जाना, वो खौफजदा होना, ठीक है ना, नर्वस होना। पॉइस का मतलब ये बड़ा कूल काम होना, बिल्कुल खौफजदा नहीं होना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स है, लेकिन जब उसमें आपने देखना है कि ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग भी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये क्या है, नर्वस क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से। पॉइस क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। लिहाजा आपने जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो आपने पहले ये डिटरमिन करना है कि ये मुझसे एंटोनिम वेरिएंट्स पूछा है या एंटोनिम पूछे हैं, तब आपने जाकर करना है जो भी क्वेश्चन में पूछा है, इसके लिहाज से आपने ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। अक्सर इसमें से गलती कर जाते हैं, इसमें से आपने वो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक हो गया। फिर आ जाती है एक्शन एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है, हक क्या होता है, हक क्या होता है, एक अफेक्शन को शो करता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक अफेक्शन को शो करता है। नोड करना, सर हिलाना, क्या मतलब क्या है, किसी को एसेंट कर देना, उसको इजाज़त देना, ठीक है ना, एग्री कर जाना, ग्रीन सिग्नल देना, ठीक है, एसेंट, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने एन नहीं डाला, ठीक है। अच्छा, विंस क्या है, ये पेन को जाना एक रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, पेन की जाना एक दर्द की अलामत है, ठीक है, आपको जाना वो चेहरा जो ना इस तरह होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, वो जो है ना वो दर्द जो है ना, एक पेन जो है ना, वो क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको थोड़े मीनिंग बता दूँ, ठीक है, ये क्या होती है, एक फेसियल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, एक फेसियल एक्सप्रेशन ऑफ पेन है, ठीक है, यानी क्या होता है, चेहरे से जब दर्द का जो है ना वो इजहार होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, चेहरे से दर्द का जो इजहार होता है, उसको हम विंस कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं 12 की तरफ आ जाते हैं, जो एनालॉजी की टाइप है वो है सिंबल और एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इसे क्या रिप्रेजेंट होती है। मिसाल के तौर पर डव है, डव किस की सिंबल है, वो एक पीस को रिप्रेजेंट करता है। व्हील क्या है, एक प्रोग्रेस को जाना वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपसे इस तरह पूछी जाती है। लिहाजा आपने जाना क्वेश्चन में फिर इस तरफ आपने उसको देखना है, ठीक है, फाइंड करना है ऑप्शन में से। रेड क्रॉस क्या होता है, ये से क्या होता है, ये हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है। स्टार होता है, ये रैंक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जैसे आर्मी ऑफिसर होते हैं, इसके ऊपर जो कंधों के शोल्डर के ऊपर जो स्टार होते हैं ना, 2 स्टार 3 स्टार, तो वो इसको रैंक को जाना वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट, कैटेगरी है और कैटेगरी है, ठीक है, ये क्या है, कोनीफर एंड एंजियोस्पर्म, ये बेसिकली क्या है, एक टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रीज़ है, ठीक है,
ये क्या है, दीज आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, एंड कॉनिफर और इसी कैटेगरी है, ठीक है, ट्रीज़ की या एंजियोस्पर्म। इस तरह ग्रीन है या ब्लू है, ये क्या है, किसी की कैटेगरी है, काइंड है, ये कलर को, ठीक है, कलर को, कलर्स, ठीक है, इसकी क्या है, एक कैटेगरी है, ठीक है, इसकी काइंड है, ठीक है। फिर आ जाती है डियर स्टूडेंट्स 14 नंबर, होल और पार्ट, ठीक है, होल, ये पैराग्राफ क्या है, ये एक होल है, और सेंटेंसेस क्या है, सेंटेंसेस इज़ अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, सेंटेंसेस से क्या बनती है, सॉरी, पैराग्राफ किससे बना होता है, पैराग्राफ सेंटेंसेस से बना होता है, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में सेंटेंसेस इज़ अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ, तो ये क्या है, एक होल है, और ये क्या है, पार्ट है, क्योंकि सेंटेंसेस पार्ट होते हैं किसके, पैराग्राफ के। इस तरह बुक क्या है, होल है, पेजेस क्या है, पार्ट है, पेजेस इज़ अ पार्ट ऑफ बुक, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर बनते हैं, मिसाल के तौर पर एक वर्ड है पाकिस्तान, ठीक है, ये क्या है, एक वर्ड है, जबकि इसमें क्या है, पी है, ए है, के, ये क्या है, क्या है, लेटर्स है, ठीक है, तो लेटर मिल के एक वर्ड बनाते हैं, इस तरह वर्ड्स मिल के एक सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह क्या होता है, नीडल क्या होता है, एक पार्ट है, किसका, क्लॉक का एक पार्ट है, ठीक है, जिस तरह वर्ड्स जो है ना वो सेंटेंसेस के पार्ट है। फिर लीफ क्या है, ट्रीज का एक पार्ट, यहाँ पर क्या था, पहले पार्ट था, फिर पहले होल था और फिर पार्ट था, ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट भी इस तरह हो सकते हैं, ठीक है, कि पहले आपको पार्ट दे दे और फिर आपको क्या करे, वो होल दे दे, ठीक है। अब ये ट्रंक क्या है, ट्रंक, ट्रंक इज़ अ पार्ट, किसका पार्ट है, एक ट्री का, जो एक मेन स्टेम होता है, एक ट्री का पार्ट होता है, और ट्री क्या है, वो एज ए होल है, ठीक है, तो ये क्या है, ट्री, ट्री क्या है, एज ए होल है, जबकि ट्रंक क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है, तो इसका इस तरह भी हो सकता है, इसका अपोजिट भी हो सकता है, पहले होल दे दे फिर बाद में पार्ट दे दे, या पहले पार्ट दे दे फिर बाद में होल दे दे, ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर ये सुन, जो 15 नंबर है वो है ऑब्जेक्ट है और क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ये क्या, मैं ये सारे एग्जांपल्स है, ठीक है, ये मैंने सारे दिए वैसे समझाने के लिए, ठीक है, मैं आगे जाना जाके मैं जो है ना वो बाकायदा क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। शर्ट की कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है, गार्मेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है, इस शर्ट क्या एक ऑब्जेक्ट है, पेन क्या एक ऑब्जेक्ट है, किस कैटेगरी में आते हैं, किस क्लासिफिकेशन में, इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है, स्टेशनरी है, कप है, ठीक है ना, ये क्या है, क्रॉकरी में आता है, नाइफ क्या है, किचन वेयर जो किचन में यूज़ होती है, या इसको वेपन की कैटेगरी में जाना वो डाला जाता है, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह हुई है। फिर जो 16वां रिलेशन है एनालॉजी का, वो है मेल और फीमेल का रिलेशन आ जाता है, ठीक है, जैसे क्या है, ये डव है और ये क्या है, वो स्टेज है, ठीक है। अब ये डव क्या होता है, ये एक होती है फीमेल डेयर होती है, ठीक है, फीमेल डेयर होती है, और दूसरा जो है वो स्टेज है, ठीक है, स्टेज क्या होता है, वो मेल जो है ना वो डेयर होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, मेल और फीमेल का आपने रिलेशन जो है ना वो रखना है, ठीक है। और आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, वो आप जो है ना वो गूगल से सर्च कर लेना, ठीक है, तो आपको माइंड में होना चाहिए, ये रिलेशन भी आता है। फिर सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, डियर स्टूडेंट्स रिनेसेंस और मेडिवल, ठीक है ना, ये यूरोपियन हिस्ट्री में एक पीरियड्स है, ठीक है, ये एक एरा है, पहला ये पीरियड आया था, फिर इसके बाद क्या होता है, हुआ था, फिर ये वाला मेडिवल पीरियड आया था, ठीक है, ये क्या है, एराज है, ठीक है, एराज कहते हैं इसको, पीरियड कहते हैं इन यूरोपियन हिस्ट्री में, ठीक है। फिर रूज़वेल्ट जो है ना, वो जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, तो इसका उससे पहले ये आया था, इसके बाद फिर हेनरी ट्रूमैन जो है ना वो आया था, ठीक है, तो ये क्या था, एक ऑर्डर को, बाकी आपको इस तरह मिल जाएंगे कि ऑर्डर से जो है ना वो आपको एमसीक्यू जो है ना वो एनालॉजी आपको जो है ना वो आएंगे, ठीक है। पहला ये आया था प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद क्या था, ये आया था, ठीक है। अच्छा, फिर रिलेशन है वर्कर और वर्क प्लेस का, ठीक है, टीचर क्या करता है, वो क्लासरूम में जाना वो काम करता है, ठीक है, ड्रगिस्ट क्या होते हैं, फार्मेसी में जाना वो काम करता है, ठीक है, तो ये क्या है, वर्क और वर्क प्लेस का जो है ना वो रिलेशन है, ठीक है। फिर आगे जाती है वर्कर और टूल्स, पेंटर क्या होता है, ब्रश को इस्तेमाल करता है, कारपेंटर क्या है, वॉइस क्या होती है, एक टूल होती है ना जिसको पकड़ने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करता है, ठीक है, होल्ड करने के लिए जो है ना वो इसको इस्तेमाल करता है कारपेंटर, ठीक है, वो एक टूल है। फिर 20 आ जाती है टूल एंड इस एक्शन, सा के थ्रू हम कट करते हैं, आर आर जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। और सी यू जो है ना एक टूल है ना जिसके थ्रू जो है ना आप शिफ्ट किया जाता है चीज़ों को, जो है ना वो चीज़ों को अलग किया जाता है।
इसको उर्दू में जाना वो चलनी कहा जाता है, ठीक है। तो चलनी को जाना चीज़ों की सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, शिफ्ट करना, सेपरेट करना। तो ये क्या हुआ, एक टूल हुआ, सिव एक टूल है, चलनी है, उसको जाना वो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, चीज़ों को सेपरेट किया जाता है, ठीक हो गया। तो डेट सुन, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा, ठीक है, एनालॉजी। इसमें मैंने 20 जन आपको साल करवाई हैं। अब जो नेक्स्ट होंगे, बाकी जो है वो टाइप्स ऑफ एनालॉजी रह गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसे मैं साल करवाऊंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मेरे वीडियोज़ आएंगे ना, वो मैं क्वेश्चन जाना वो सॉल्व करवाऊंगा, मैं रीजनिंग के साथ बताऊंगा। तो ये दोनों जो लेक्चर होंगे वो इंट्रोडक्टरी होंगे, वो टाइप्स ऑफ एनालॉजी पे बेस करेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो आप जाना कमेंट बॉक्स में जाना पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।